देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सिक्स बुक्स आर लेवल ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, सिक्स बुक्स हैं जिनके लेवल दिए हुए ए बी सी डी ई एफ, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, बुक्स बी सी ई एफ हैव ग्रीन कवर्स व्हाइल अदर हैव येलो कवर, ओके, बुक ए बी सी डी न्यू व्हाइल द रेस्ट आर द ओल्ड वॉल्यूम, बुक्स ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट व्हाइल द रेस्ट आर मेडिकल, ठीक है, विच टू बुक्स आर ओल्ड मेडिकल, ये पूछा गया है। आप देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम थोड़े से एक डायग्राम के साथ करें कि सिक्स बुक की बात की जा रही, कौन कौन सी बुक्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ऐसे सिक्स बुक्स की बात की जा रही, सिक्स बुक्स आर लेवल ए बी सी डी ई एंड एफ आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, बुक बी सी ई एंड एफ आर ग्रीन कवर, यानी इनके कवर की भी बात करी जा रही है, कौन कौन से, बी का कवर जो है वो ग्रीन है, सी का भी जो ग्रीन है, इसके बाद ई का भी ग्रीन है और एफ का भी ग्रीन है, हैव ग्रीन कवर बाय अदर हैव येलो कलर, यानी ये येलो कलर के हैं, राइट, यानी कलर में अगर बात की जाए तो ये वाले हो गए ग्रीन और ये वाले हो गए येलो। जितने क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। बुक ए बी ए बी एंड डी आर न्यू, ए बी न्यू है, अब न्यू बुक्स जो बोली जा रही है वो देखते हैं, ये न्यू है, ए न्यू है, बी भी न्यू है और डी भी न्यू है, इसका मतलब ये ओल्ड रही होंगी, यस और नो, बोला है ना, ए बी डी न्यू रेस्ट ओल्ड वॉल्यूम बुक। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को बना के करेंगे आपकी क्वेश्चन क्लियर होंगे, एलआर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिर बोला है बुक्स ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट, मतलब ए की जो बुक है वो लॉ की है, बी भी लॉ की बुक है और सी भी लॉ की बुक है। देखिए बुक्स ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स व्हाइल द रेस्ट आर मेडिकल, ये मेडिकल वाली है, ये तीनों मेडिकल वाली है, ओके, विच टू बुक्स आर, अब पूछा क्या है, रेस्ट आर मेडिकल, विच टू बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्टेड एंड ग्रीन कवर, ग्रीन कवर की भी हो और मेडिकल की भी हो, तो ग्रीन कवर की भी हो और मेडिकल की भी हो तो ई एंड एफ इसका सबसे सटीक आंसर। उसने कहा कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपने जैसे ही इसका कंसेप्ट बनाया आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट right?